कि ऐसे रोल करके ये आइसक्रीम बनती है। जैसे कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ना कीवी को ना इस पे लगाया जा रहा है। एंड भाई वही एक तरीका है उतारने का, भाई देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, चक्के देखते हैं एक बार। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वैसे भाई सीन ऐसे, फिलहाल टाइम मुझे भाई शाम के हो रहे 4:30 एंड फिलहाल वो भी घर पे एंड मैं रेडी हो चुका हूँ। फिलहाल मैं भी निकल रहा हूँ अपनी कुछ वीडियो की शूट के लिए। सो मैं सोचा थोड़ा ना व्लॉग बना लूंगा, बिकॉज मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है। थोड़ा मार्केट में 2-3 चीज़ें ना ट्राई करके आनी है, जो काफ़ी ना नई सी ओपन हुई है। तो मैं सोचा चलो भाई चलो एंड व्लॉग ही बनाएंगे, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग बना नहीं रहा, बना रहा हूँ बट ना इसे डेली नहीं बना रहा, बना लेता हूँ फिर 1-2 दिन छोड़ के ना बीच में ना डिले करके अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें शायद आपको भी थोड़ी परेशानी हो रही होगी। बिकॉज जो मेरे डेली व्यूअर हैं, जो मेरे को डेली व्लॉग देखना चाहते हैं, वो मेरे को डेली देख नहीं पा रही भाई। बस चलते हैं, बस मेरे साथ गौरव और नितिन भी जाने वाले हैं, तो बिकॉज हम थोड़ी कुछ वीडियो शूट करते हैं एंड भाई लोकेशन भी लेके जाऊंगा आपको। एंड टाइम हो चुका भाई 4:30 हो चुके हैं एंड सिर पे सूरज भगवान खड़े हैं, लिटरली काफ़ी धूप आ रही है भाई। सो बस जहाँ बात करते हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं, वही बात है कि एवरी टाइम वही वेट करते हैं एंड मैं लेट कर देता हूँ। तो चलो भाई ये चेक करो गाइस, इतनी तगड़ी धूप आ रही है ना भैया, हमें लगाना पड़ता है लिटरली बारिश में लगाते लगाते हैं, धूप की वजह से भी ना नीचे ना जैसे गर्मी ना हो जाए तो ये लगा देते हैं भाई ग्रीन कलर का फाइबर। सो बस चलते हैं और गाइस आप चेक कर सकते हो भाई कितनी तगड़ी धूप आई हुई है। सो भाई फाइनली मैं तो निकल पड़ा हूँ एंड देखते हैं आज क्या धमाल करेंगे। लिटरली आज भाई बहुत कुछ दिखाना आपको ब्लॉग में, बिकॉज काफ़ी टाइम से ना जैसे थोड़ा ना इतना वो धमाल वाले ब्लॉग नहीं चल रहे थे, बट आज भाई लिटरली धमाल कर देंगे सही में, देखना। लिटरली गाइस आज ना काफ़ी मज़ा सा आ रहा है, बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना। सो हाँ भाई मज़ा बना रहना चाहिए, तो बस उनका वेट कर रहा हूँ, अभी कॉल किया बस वो आ ही रहे हैं। सो फाइनली गाइस ये भी आ चुके हैं भाई, पहले इन्होंने मेरा वेट किया, अब मैं इनका वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। सो फाइनली गाइस हम हमारी लोकेशन पहुँच चुके हैं, एक्चुअली वो सामने सीढ़ियाँ हैं ना भाई, उससे चढ़ के ऊपर जाना हमें। ये दिखाता हूँ आपको मैं ना सीढ़ियाँ कितनी क्लोज हैं, भीड़ी हैं भाई। ये चेक करो गाइस, मैं अभी ना पूरा फिट फिट आ रहा हूँ, धूप यार बहुत ख़राब कर रही है ना आज। हम ना स्पेशली धूप के लिए आए थे ताकि ना क्वालिटी अच्छी आएगी फ़ोन की, बट क्या पता था कि भाई इतनी गर्मी भी होगी साथ में। तो हाँ बस यही है राजू भाई, माल है माल। सो गाइस यही वो छत है जिसमें हम जनरली शूट करते होते हैं, तो बस यही है। बैग में ना कुछ सामान है जो कि वीडियो से रिलेटेड है, तो बस वही है, शूट करते हैं बिकॉज टाइम काफ़ी हो गया, 5 बज चुके हैं। 2 hours later. तो गाइस फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 5:51 हो चुके हैं भाई, 6 बजने वाले हैं। लिटरली हमको ना काफ़ी टाइम हो गया ऐसे शूट करते को, हमने ना 3 वीडियो शूट की है, उसमें भाई ना लिटरली हवा निकल चुकी है, मतलब कि पानी प्यास लगी रही है, उसके लिए हम जा रहे हैं बस अभी। सुना रिटे काफ़ी हुए एंड काफ़ी मज़ा आया आज भाई, टाइम से पहले आ गए थे, अदरवाइज हम ना 6 बजे आते होते हैं। अब 6 बजे हमारी ना 3 वीडियो बन चुकी है और वो भी रिटेक के साथ, काफ़ी रिटेक लिए और काफ़ी ना ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट हमने लेके आए हैं, थोड़ा ना यूनिक्स है। आप अगर देखना होता हम ना 10 सब बॉयज जाके देख लेना, 1-2 दिन में ना अपलोड हो जाएगी वीडियो। सो बस ये भी हैं बैठ चुके हैं भाई, आज कैमरामैन गौरव था। आज जितने रिटेक लिए भाई कसम से कभी नहीं लिए। हाँ चलते हैं पानी पीने के लिए, पानी चाहिए पानी। सो भाई फाइनली मावड़ी माता के मंदिर आ चुके हैं एंड यहाँ पे एक ही भाई ये वाटर कूलर ऑन है, ये भी बंद है, एक सामने है वो भी बंद है भाई। कैसा रहा पानी, ठंडा रह गया? पीने लायक है भाई, चलो पीते हैं। लिटरली गाइस पानी काफी ज्यादा ठंडा है भाई, नॉर्मल से ठंडा ही है। भाई बहुत बेकार लग रही है। पहली चिनागी निगाली कर दे भाई यार। इसके डांस के लिए एक ना एक लाइक कर देना भाई, और कमेंट करना चाहो तो वो भी है, 10 कमेंट पॉजिटिव डालना कमेंट। सो भाई पानी पी के ना वही लोकेशन पे आ चुके थे, हमको तो ये था कि हम ना शूट करेंगे, बट ना गौरव के ना ऑफिस से फ़ोन आ चुका है, शायद वहाँ जाना पड़ सकता है एंड ना 2 बार कॉल आ गया यार, तो चलो भाई एक बार घर चलते हैं एंड उसके बाद मार्केट चलना था। तो गए मस्त, उसके बाद गए थे गौरव घर पर, गौरव घर पर ना कोई विकल्प था नहीं, तो भाई हम ना पैदल निकल रहे हैं। फिर नितिन ना चश्मा लगाया हुआ है, नितिन डोन लग रहा है और नितिन को बीच में पकड़ा हुआ है ताकि ना हम बॉडी गार्ड लगें, ये लगे सेलिब्रिटी। मैं पर हूँ। कितनी बार बोलेगा तू मैं पर हूँ, हर किसी को ही बोल रहा है भाई मैं पर हूँ। तो गाइस अभी रास्ते में निकल रहे थे भाई, तो ये क्या बोलते हैं इसको, भुजिया, ये भुजिया मिले हैं भाई हमको, बनाना भैया एक बना दो यार, सलमान खान। शर्मा गए भैया हैं, भैया यार ज़्यादा बना देना यार, हमने आपको वीडियो में लिया है, देख लो ऐसे मत करना, देख लो ये देखो भाई, इस बंदे ने ना कौन में नहीं दिया ऐसे, भैया हाथ में दे दिया, तुम्हारा सही है भाई।
अगर गाइज आपको ऑटो रिक्शा टैक्सी कुछ ना मिले ना तो अपना नितिन को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 5,000 रुपए लगेंगे भाई। कितने? 5,000 रुपए थोड़ी सी सवारी के। अच्छा 50 मीटर के 5,000। लिटरली गाइज पैदल में ना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा भाई, टांगे दर्द करने लगी है। हाँ तो गई भाई पैदल, वापस भी आना है, सबसे बड़ी बात ये भी है। सो फाइनली गाइज गीता बनवाली गली में आ चुके हैं भाई। तो मैं जिसका वो बोल रहा था ना सुबह से नहीं बोल रहा, शाम से बोल रहा था, बिकॉज मैंने शाम को ब्लॉग शूट किया है। तो मैं कह रहा था भाई जो हम सी ट्रैक करने वाले हैं ना वो यहाँ भाई काफ़ी ना यूनिक से ना कुल्फी है, सॉरी गाइज वो ना आइसक्रीम है भाई, मैं ना कुल्फी बोल रहा हूँ। लिटरली भाई मेन दिक्कत ये है ना, मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना तो काफ़ी फंबल आ रहे हैं भाई, तो प्लीज़ यार माफ़ करना। सो ना आइसक्रीम टाइप है, आप जाता हूँ कैसी है आप समझ जाओगे। तो सिरसा में तो ना भाई वो पहली है और काफ़ी यूनिक है भाई, वो ट्राई करने वाले हैं। सो भाई जिस आइसक्रीम की हम बात कर रहे थे फाइनली उस पर पहुँच चुके हैं भाई, कि ऐसे रोल करके ये आइसक्रीम बनती है। तो पूछते हैं भैया को क्या प्राइस वगैरह है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ना कीवी को ना इस पे लगाया जा रहा है। सो भाई ये सारे फ्लेवर है इसमें, ये सभी इसमें लगे हुए हैं या सारे एक साथ कैसे आ जाएंगे? 40 फ्लेवर है इसके अंदर। 40 फ्लेवर है गाइस। ये आ गया भाई वाटरमेलन। अभी मौके पे कितने फ्लेवर आते हैं भैया? 5-6 फ्लेवर पड़े हैं मौके पे। मैंगो, चॉकलेट, वाटरमेलन, कीवी। अच्छा, एंड क्या प्राइस वगैरह क्या भैया इसका? अलग अलग रेट है या ऑलमोस्ट सेम है? स्टार्टिंग कितने से होती है? तो गाइज स्टार्टिंग 40 से होती है एंड मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 100 रुपये का भाई। तो रेट का तो गाइज अपने को पता लग गया है, एंड ये पता लग जाता है भाई एक टोली में कितने देते हैं, सो भी इजी हो जाएगा। तो मैं पूछ देता हूँ भाई चॉकलेट खाओगे या कौन सी खाओगे? चॉकलेट बनवा लेंगे भैया, चॉकलेट वाली कर दो एक प्लेट। अभी गाइज एक प्लेट करवाइए एंड चक्के देखते हैं कैसी है एंड पता लग जाएगा भाई एक टोली में कितनी आती है। एंड भाई वही एक तरीका है उतारने का जैसे मैंने वीडियो में देखा था, लगभग सभी ने देखा भाई। ये भाई चाकू को ना टेढ़ा करके पूरा इसको बिड़ा के उतार रहे हैं भाई, तो इतनी कुछ आएगी है। ये क्या डाल रहे हो भैया ऊपर से? चॉकलेट सिरप बोल रहे हैं भैया। तो अभी ना और भाई गार्निशिंग कर रहे हैं इस पर, चेरी वगैरह डाल रहे हैं। थैंक यू भैया। भाई देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, चक्के देखते हैं एक बार। तो गाइस हमने ना चॉकलेट वाली ये बनवाई थी भाई आइसक्रीम, लिटरली भाई काफ़ी टेस्ट लग रही है हमको खाने में, पर ना यूनिक सा टेस्ट है। वैसे है तो चॉकलेट वाला ही, खाने में काफ़ी ठंडी है नॉर्मल से, और पिघल काफ़ी देर बाद रही है। और इनसे पूछ लेते हैं भाई कैसे लगी? ठीक है या मतलब कि थोड़ी सी बड़ी है? हाँ है, थोड़ी फर्क है, थोड़ा फर्क है। एंड ये देखो भाई कैसे देख रहे हैं तो ऐसे कुछ लग रही है भाई, ये काफ़ी सही है भाई। चलो इसको फिनिश करते हैं पहले। चलो भाई मैं भी ये काम सीख रहा हूँ, अगर कुछ ना चला ना तो यहाँ आ जाऊँ भैया के पास। आ जाओ ना भैया। कितने पैसे दोगे? 8,000। 8-9,000 रुपये भाई, कल से ही आ रहा हूँ मैं तो अभी लग रहा हूँ ये अभी लग रहा है भाई, घुमाना इजी नहीं है, आदत कर रहे हैं। 8 घंटे लगातार घुमाना। ये कितनी किलो बर्फ आ जाती है? 60 किलो बर्फ आ जाती है इसमें। अब यहाँ पे भैया ये कुछ त्याग कर रहे हैं फ्लेवर, ये मिक्स फ्रूट है भाई, काफ़ी अच्छी लगी भैया यार। ओके थैंक यू। सो गाइज अपना आइसक्रीम ट्राई कर ली है, अपना गोलगप्पे ट्राई करेंगे, इसका भाई 2-3 तरह का ना फ्लेवर है पानी का, तो अपना गौरव लेके जा रहे हैं, देखते हैं भाई। भैया व्लॉगिंग करने लगे भाई, सही सीन है। अंकल ये क्या है? LCD है भाई, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई ना, रेडी पे भी ना LED LCD लगा के घूम रहे हैं, मार्केटिंग होनी चाहिए कैसे भी हो। ओ मैं बोला भाई आइसक्रीम के रेडी में गोलगप्पे बेच रहे हैं ये भैया, यही है क्या भैया? कितने तरह के पानी है आपके पास? 4 तरह का पानी है, हाजमा, लहसुन, जीरा, पुदीना, हाजमा, लहसुन, जीरा, रेगुलर पानी, यानी कि 5 तरह का पानी है इनके पास। ओके ट्राई करके देखते हैं, बनाओ भैया एक प्लेट। ये कौन सा फ्लेवर है भैया? जीरा है, काफ़ी यूनिक सा है भाई। ये कौन सा भैया? पुदीना। ये पुदीना का भाई। लहसुन। ये कौन सा भैया? लहसुन। लहसुन का गोलगप्पा भी खाया भाई, लहसुन के पानी का, सॉरी। ये कौन सा भैया? हाजमा खट्टा मीठा। ये भैया हाजमा खट्टा मीठा। एक एक और खा लिया बस, एक एक नहीं मतलब एक और आ जाए 40 का हो जाओ। मेरे को भैया हाजमा खिलाना,
राजमा काफ़ी टेस्टी है भाई, खट्टा मीठा। थैंक यू भाई। तो भाई फाइनली हमने ना गोलगप्पे खा लिया लिटरली भाई, काफ़ी अच्छे लगे। तू कैसे लगे? जबरदस्त जबरदस्त। और काफ़ी भाई, चार पांच तरह के इनके पास पानी है, चार तो यूनिक से हैं, एक तो रेगुलर ही है। और गाइज भैया के ना पानी डालने का ना काफ़ी अलग तरीका है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो भाई, ये देखो भाई, हाथ ना पानी के अंदर डुबोते, उससे ही जो चमचा सा इनका जो, उससे ही डाल रहे हैं पानी। भैया पापड़ी भी देते हो क्या? देखो भाई, वही तो मेन है यार, गोलगप्पे एक कम मिल जाए, बस पापड़ी मिलनी चाहिए भाई। यहाँ पे भाई बाकी लोग भी ना काफ़ी अच्छी तरह भाई खा रहे हैं। आपको कैसे लगते हैं भाई सब? बढ़िया भैया आपको? बढ़िया बढ़िया। कौन से बढ़िया फ्लेवर कौन सा लगता है आपको? लहसुन और अच्छा, लहसुन का सभी कह रहे हैं भाई। लहसुन तीखा ज़्यादा यार। हाँ लो भाई, पापड़ी आ चुकी है। पेट में गोलगप्पे जाने दो, मेरे को लास्ट में दे रहे हैं भैया। सो भाई फिलहाल गौरव लेके आ चुका मैं ये फ्रूट चाट की स्टॉल पे। तो कह रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना फास्ट फूड खा लिया, गोलगप्पे खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, आप थोड़ा ना फ्रूट टाइप कुछ खा लेते हैं नेचुरल। सो बनवा रहा है भाई फ्रूट चाट बनवा रहा है। ये मिक्स है क्या भैया? मिक्स फ्रूट चाट है ये। ये भाई अपन तो पहले पनीर खाएगा। ये भाई जो प्लेट है ना, ये ना भाई 50 रुपीस की है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है भाई। तो भाई मस्त फ्रूट चाट भी खा लिया है लिटरली भाई, काफ़ी मज़ा आ गया। एंड वो कह सकते हैं भाई एक्सप्लोर कर लिया पूरा, जो गीता बनवाली गली का जो पूरा फास्ट फूड मेन्यू है ना, पूरा एक्सप्लोर कर लिया भाई, सब कुछ ट्राई कर लिया आज। बाकी भैया का तो भाई चाय पीने का टाइम हो गया भैया का। ये भैया स्माइल कर गए हमारे। नहीं नहीं बस हमने तो फ्रूट चाट खा ली, वैसे चाय का टाइम नहीं है, और आपको तो काम करना है इसलिए आपके लिए चाय जरूरी है। तो गाइज अगर आप कभी आओ ना गीता बनवाली गली में, तो आपने यहाँ के पता कर लेना भाई, विनोद भैया एंड गजीबो सलून है इसके साथ में है विनोद भैया, तो आपको काफ़ी अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, तो आना भाई एक बार। इसके साथ में वो आइसक्रीम वाले हैं, तो ये पास पास में, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है अगर ट्राई करने आओ तो भैया। ओके भैया चलते हैं, काफ़ी अच्छा लगा भाई यार। ओके थैंक यू भैया। ओके भैया अब बस चलें घर पे। आप घर पे? अब गाइज घर पे चलना है अब, फिर यार हमारे ना जैसे जाने जाने में ना हालत पतली हो जाएगी। सो भाई फिलहाल आ चुके हैं जियो स्मार्ट पॉइंट पे, एक यहाँ पे भाई ना कोल्ड ड्रिंक लेनी है माजा। सो एक माजा ले लिया एंड एक मिल्क शेक ले लिया भाई, बटर स्कॉच फ्लेवर का। और बिल देखो भाई, लिटरली दो चीज़ लिए वो भी इतनी खास नहीं है, एंड बिल देखो भाई यार, सारे भाई ना रद्दी में पैसे पूरे कर देते हैं ये। तो चलो चलते हैं फिर अब। सो भाई फाइनली घर पे आ चुका हूँ। तो चलो भाई इसके साथ मस्त पूजा भी कर दी है, फिलहाल करते हैं स्लो पैंट। लिटरली गाइस बाल देखो कितने लंबे हो चुके हैं। मेरी मम्मी मेरे को ना रोज बोलती है भाई बाल कटवा ले बाल कटवा ले बाल कटवा ले, बट मैं नहीं मानने का। सो भाई मैंने फाइनली फिर ना सोच ही लिया है कि जो ये संडे आएगा ना, इस संडे को मैं कट करवाऊंगा, जहाँ छोटे नहीं करवाऊंगा। तो हाँ फिलहाल करते स्लो पैंट, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा प्लीज वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना। इसके बाद मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय, टेक केयर, बाय गाइस। चलन नगर है। ओनो ओनो थ्री हो गया। पुलिस आ गई, पुलिस कितनी बार बोला। तो गाइज आप देख रहे हैं हमारे वासुदेव व्लॉग्स।